हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विंग्स टू फ्लाई। इन टुडेस वीडियो वी विल सी वन एसे ऑन फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया, सो लेट्स गो थ्रू इट। एसे ऑन फ्रीडम फाइटर्स, स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर एक निबंध। इंडिया वॉज अंडर ब्रिटिश रूल फॉर ओवर मोर देन 200 ईयर्स। भारत 200 साल से भी ज़्यादा तक अंग्रेज़ों के शासन के अंडर था। द फ्रीडम ऑफ इंडिया नॉट केम ईजली, भारत की स्वतंत्रता आसानी से नहीं आई थी। इट रिक्वायर्ड फियरलेस करेज एंड ट्रू स्पिरिट टू रीगेन इंडियाज़ फ्रीडम। उसके लिए निडर साहस और सच्ची भावना की आवश्यकता थी। द फ्रीडम हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज फुल ऑफ ग्रेट लीडर्स एंड फ्रीडम फाइटर्स दैट फेस एक्सप्लॉयटेशंस, हार्डशिप्स एंड इमेंस टॉर्चर टू अर्न फ्रीडम दैट वॉज ड्यूटीफुली अवर्स। हमारे स्वतंत्रता का इतिहास बहुत सारे अच्छे नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों से भरा है, जो शोषण, कष्ट और बहुत ज़्यादा टॉर्चर सहते थे स्वतंत्रता पाने के लिए जो सिर्फ हमारी थी। एवरी इंडियन हु लिव्ड अंडर द ब्रिटिश रूल ड्रीम्ड ऑफ एन इंडिपेंडेंट इंडिया। हर कोई भारतीय व्यक्ति जो ब्रिटिश के अंडर रहते थे, सब स्वतंत्रता पाने के सपने देखते थे। डिफरेंट फ्रीडम फाइटर्स अडॉप्टेड डिफरेंट वेज ऑफ फाइटिंग द ब्रिटिश एम्पायर, बट द कॉमन ऑब्जेक्टिव वॉज द सेम, टू अर्न द फ्रीडम। अलग अलग स्वतंत्रता सेनानी अलग अलग तरीके अपनाए थे अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए, लेकिन उनका सामान्य मकसद भारत की स्वतंत्रता था। क्रेडिट मस्ट गो टू द स्पिरिट ऑफ दोज ग्रेट फाइटर्स हु एम्ड टू अबॉलिश द ब्रिटिश एंड वेरियस अदर कॉलोनियल अथॉरिटीज रूलिंग ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। जो श्रेय है वो उन ग्रेट फाइटर्स को जाना चाहिए जिन्होंने अंग्रेज़ों को और औपनिवेशिक अधिकारियों को समाप्त करने का लक्ष्य बनाया था, जो भारत के अलग अलग जगहों पे रूल कर रहे थे। इट इज़ बिकॉज देम वी आर लिविंग फ्री एंड इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। आज हम उन नेताओं के कारण और स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से आज़ाद और एक लोकतंत्र देश में रह रहे हैं। द फ्रीडम ऑफ इंडिया केम आफ्टर अ सेंचुरी ऑफ स्ट्रगल, रेवोल्यूशन, ब्लड शेडिंग, सेक्रीफाइसेस एंड बैटल्स। भारत की स्वतंत्रता 100 साल के संघर्ष, क्रांति, त्याग, लड़ाई और खून बहाने के बाद मिली थी। इट वॉज द अराइवल ऑफ द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी दैट कम्प्लीटली चेंज द लैंडस्केप ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के आने के बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का परिदृश्य ही बदल गया था। His main weapon was non-violence that paid handsome returns for the Indians. उनका मेन हथियार अहिंसा था जिसने अच्छा रिटर्न भारतीयों को दिया था। Before India finally achieved the freedom on 15th of August 1947, many lives were lost and sacrificed on the altar of independence.
भारत की आज़ादी 15 अगस्त 1947 के पहले बहुत सारी जाने और आहूतियाँ गईं स्वतंत्रता की वेदी के लिए। द फ्रीडम केम एट अ वेरी हैवी प्राइज ऑफ लाइव्स एंड डिविजन ऑफ यूनाइटेड इंडिया एंड दैट्स वाई वी मस्ट रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट अवर इंडिपेंडेंस। हमारी आज़ादी बहुत ऊंचे दाम पर आई, इसलिए हमें हमेशा स्वतंत्रता को सराहना चाहिए और इसका आदर करना चाहिए। नेम्स लाइक गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, दादा भाई नौरोजी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, सुचेता कृपलानी एक्सेट्रा हैव मेड देमसेल्व्स इमोर्टल इन द एनाल्स ऑफ इंडियन फ्रीडम फाइट। और बहुत सारे लोगों ने, जैसे कि गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, भगत सिंह और बहुत सारे लोगों ने अपने आप को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमर कर दिया था। सो दिस वॉज एन एसे बेस्ड ऑन द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया who helped to gain independence of our country. I hope you like this video. So, goodbye and thank you for watching.